जबकि आप टेस्टिंग के बारे में बात करते हो, तो टेस्टिंग की जाती है टेस्ट डेटा के थ्रू। अच्छा, टेस्ट डेटा होता क्या है, वो क्यों करते हैं हम? इट एंश्योर्स दैट आर एल्गोरिथम, हमने जो एल्गोरिथम लिखा है वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमें चलाना चाहिए था। वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं है कि कोई नेगेटिव वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर रहा है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे कुछ भी इस तरह का आ जाता है। तो इन सब चीजों को हम सेट ऑफ टेस्ट डेटा के थ्रू करते हैं। तो टेस्ट डेटा में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले एक वैल्यू आ जाती है नॉर्मल टेस्ट डेटा। फसिया, व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल टेस्ट सेट सेट ऑफ टेस्ट डेटा? नॉर्मल टेस्ट डेटा आई थिंक जो लाइक 7 8 मतलब जो नॉर्मल होती है, आई मीन मतलब जैसे कि सेट ऑफ टेस्ट, इंटीजर्स है। सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट अ परसेंटेज, तो परसेंटेज की वैल्यू मैंने लिख दी 85 और 15 और 20। ये सारी परसेंटेज वैल्यूज क्या है? नॉर्मल है, एक्सेप्टेड है, अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए एंटर कर दी। इसी तरह नॉर्मल की जगह आपके पास एक आ जाता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का दूसरा नाम इज एरोनियस। एरर से निकला है एरोनियस टेस्ट डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सेट ऑफ वैल्यूज जो कि रिजेक्ट कर दी जाती है बाय योर प्रोग्राम, सेट ऑफ वैल्यू विच आर रिजेक्टेड बाय द प्रोग्राम या विच शुड बी रिजेक्टेड बाय द प्रोग्राम, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम में गड़बड़ क्रिएट कर सकते हैं, तो इनको रिजेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि, अच्छा, हर केस में मैं परसेंटेज को रखता हुआ चल रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास परसेंटेज में आ गई -10 और 105, ये दोनों वैल्यूज क्या है? ये आपके आउटसाइड द रेंज आ रही है, परसेंटेज के अंदर वैल्यूज नहीं आ सकती। इट शुड बी, या फिर किसी ने 2 ऐसे लिख दिया। अगेन, दिस इज नॉट ऑल्सो एबनॉर्मल डेटा। परसेंटेज की वैल्यू स्ट्रिंग नहीं हो सकती। फिर आपके पास आ जाता है बाउंड्री। या बाउंड्री से पहले मैं आपको एक्सट्रीम बता देता हूँ, फिर हम बाउंड्री को चलते। लीजा बेटा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ एक्सट्रीम टेस्ट डेटा एंड अ बाउंड्री टेस्ट डेटा? स्ट्रीम डेटा आपका होता है जहाँ तक आप डेटा एंटर कर सकते हो, जैसे परसेंटेज की बात की जाए तो आप 100 तक एंटर कर सकते हो। What आपका will be the बाउंड्री boundary? भी यही होता है, पता नहीं डिफरेंस नहीं पता। एक छोटा सा डिफरेंस है। फसिया, डू यू नो दैट? आई थिंक एक्सट्रीम में हम लोग जो लास्ट वैल्यूज होती हैं वो ऐड नहीं कर सकते, एंड बाउंड्री में हम आई थिंक कर सकते हैं, या ये उल्टा है?
नहीं, देखो एक्सट्रीम मींस इन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू, जैसे कि 0 एंड 100। एंड नहीं लिखते हम, मैं कॉमा लगा देता हूँ, या तो 0 या 100, विच मीन्स कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। मैक्सिमम बच्चे की परसेंटेज क्या जाती है, 100, इट शुड आल्सो बी एक्सेप्टेड। एक्सट्रीम में हमेशा लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में बात की जाती है, जबकि बाउंड्री में भी कुछ इसी तरह बात की जाती है, बट बाउंड्री के अंदर आपके पास पेयर ऑफ वैल्यूज आ जाता जिसमें एक एक्सेप्टेड होना चाहिए और एक रिजेक्टेड होना चाहिए। तो इन बाउंड्री वी कैन सिंपली राइट एट ईच बाउंड्री टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। वन इज एक्सेप्टेड एंड वन इज रिजेक्टेड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए, तो आपके पास एक बाउंड्री क्या हो गई, -1 एंड 0, बेटा ये पेयर ऑफ वैल्यूज है। -1 रिजेक्ट हो जाएगी, 0 क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे 100 एंड 101, 100 विल बी एक्सेप्टेड एंड 101 विल बी रिजेक्टेड। इट क्लियर? यस सर, यस। जैसे कि यहां पर गिवन नहीं है, अ वैलिडेशन चेक या अ वैलिडेशन चेक इज यूज टू मेक श्योर दैट एनी वैल्यू दैट इज इनपुट इज एन इंटीजर बिटवीन 30 एंड 200 इंक्लूसिव। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ टेस्ट डेटा टू सेट दैट अ वैलिडेशन चेक इज वर्किंग एज इंटेंडेड। ईच एग्जांपल ऑफ टेस्ट डेटा मस्ट बी डिफरेंट। तो आप इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हो? अच्छा, इसमें नाम दे दिया, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है और एक्सट्रीम है। ज्यादातर ये तीन चीजें ही यूज करते हैं हम, एबनॉर्मल को कम यूज कर सकते हैं। बेटा 30 एंड 200 की वैल्यूज इंक्लूसिव है, तो मैं नॉर्मल के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, 100। रीजन क्या है, दिस डेटा इज विद इन द रेंज एंड शुड बी एक्सेप्टेड। अगर एबनॉर्मल की बात की जाए, तो एबनॉर्मल में मैंने लिख दिया 201। इसका मतलब क्या है, दिस डेटा इज आउटसाइड द रेंज एंड शुड बी रिजेक्टेड। एक्सट्रीम 200, क्योंकि आपके पास इंक्लूसिव का है, उसने ये बात का बहुत ख्याल रखना, ये कभी कभार इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में खेलता है। अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा होता तो उसका मतलब क्या था, कि मतलब थर्टी एंड डिसिप्लिन से टू बाहर एंट्री हो सकती है। नो 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 बेटा 30 एंड 200 एक्सक्लूसिव लिखा होता तो इसका मतलब होता कि मेरी रेंज होती 29 से 199 में, जो एक्सेप्टेबल है।
फिर मेरी जो एक्सट्रीम डेटा बनता है वो डेट वुड बी 199 और 29। इंक्लूसिव का मतलब यह है कि 30 एंड 200 को इंक्लूड करते हुए रेंज बना रहा है, विच मीन्स कि मेरी रेंज है 30 to 200 के बीच। यहाँ पे मैंने 200 या फिर 30 लिख सकता था फॉर एक्सट्रीम टेस्ट डेटा। अगर यहाँ एक्सक्लूसिव होता तो मुझे 199 या फिर 29 लिखना पड़ता। सही, सो 39 इज दी लार्जेस्ट वैल्यू विच शुड बी एक्सेप्टेड। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वैलिडेशन वेरिफिकेशन के बारे में पूछ लेता है ये। अगर कुछ समझ ना आए तो एग्जांपल लिख देना, या फिर इनके बारे में ये हो सकता है, या फिर जिस तरह से यहाँ पे लास्ट मैंने वैलिडेशन वेरिफिकेशन के बारे में एक क्वेश्चन भी करवा दिया था, तो ये टेस्ट डेटा इसके अलावा नहीं पूछ सकता, होता नहीं है। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, फिर इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फर्दर, या तो अब ये चैप्टर वैसे एंड हुआ है यहाँ पर, अगर हुआ तो हम कोई वीडियो वन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।